Hello everyone, welcome to Fly High Smart Tuition. So today we are going to study the third chapter of history, Nazism and the Rise of Hitler. ये एक बहुत ही important chapter है. History के point of view से या एक learning के point of view से ये एक बहुत मज़ेदार, interesting और बहुत दर्दनाक chapter भी हम बोल सकते हैं. क्योंकि आप इस चैप्टर में ये समझोगे कि किस तरीके से या ये आपको सीखने का मौका मिलेगा कि हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स हुआ जिसके वजह से इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया और हिटलर एक कैसा आदमी था, उसके सोच विचार कैसे थे. तो ये कुछ साइंस आपको प्रोवाइड कर देता है कि भाई अगर ऐसा इंसान कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसके इंटेंशन सही नहीं है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग टू. और इस पर रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ बनी है. अगर आप उन मूवीज़ को देखोगे तो आपको और सीखने का मौका मिलेगा. ऑपरेशन वैलकरी बना है, द बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामास बना है और बहुत सारे हैं, बहुत सारे. और उन मूवीज़ को देखने के बाद मतलब अंदर से रोना आता है कि भाई कोई इंसान कैसे इतने बड़े मास पॉपुलेशन के साथ ऐसा कर सकता है. किस तरीके से ज्यूज लोगों का ट्रीटमेंट किया गया था वो देख के दिल दहल जाता है इन सब मूवीज़ में. तो कुछ कुछ हम लोग समझेंगे कि कैसे हिटलर ने अपने आइडियाज़ को या आइडियोलॉजी को पूरे जर्मनी में फैलाया और वो क्या सोचता था, समझता था, इन सब के बारे में हम समझेंगे. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. इस चैप्टर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन. हम लोग सब लोग थोड़ा बहुत नाजी के बारे में सुना है या हिटलर के बारे में तो डेफिनेटली सुना है. तो ये नाजी क्या था? तो नाजी कोई पार्टी नहीं है हम बोल सकते हैं. ये एक आइडियोलॉजी था, ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि हिटलर ने डेवलप किया था. इट वॉज अ कॉन्सेप्ट, इट वॉज एन आइडियोलॉजी, इट वॉज नॉट जस्ट अ सिंपल पार्टी. और हिटलर हर हालत में चाहता था कि वो एक जर्मनी को सुपर पावर बनाए और पूरे के पूरे यूरोप को कॉन्कर करे. वो चाहता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी का जो स्टेटस है वो ख़राब हो गया, उसको रीस्टोर किया जाए और उसे वापस से पावरफुल बनाया जाए. वो अपने नेशन के प्रति एकदम डेडिकेटेड आदमी था. ये बात भी बहुत सच है कि वो अपने नेशन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार था. तो नाजिज़म हम फिर से वही बता रहे हैं कि ये कोई एक एक्ट या एक दो छोटा मोटा घटना नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा खुद में एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ था कि किस तरीके से दुनिया को चलना चाहिए या कैसा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होना चाहिए. तो मई 1945 में जर्मनी ने फाइनली सरेंडर किया टू द एलाइज. जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरा, जापान हार गया, हार मान लिया, इटली हार चुकी थी, तो फाइनली जर्मनी ने भी 1945 में मई में सरेंडर कर दिया. हिटलर और उसका जो प्रोपोगंडा मिनिस्टर था जो कि उसके लिए एडवर्टीजमेंट करता था या कैंपेनिंग करता था, मिनिस्टर गोबेल्स, उसने इन दोनों ने अपने पूरे परिवार के साथ कलेक्टिवली सुसाइड किया और वो जिस बंकर में रह रहे थे वहीं पे अपने आप को गोली मार ली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अब जब वॉर ख़त्म हुआ, हिटलर ने सुसाइड कर लिया और मिनिस्टर गोबेल्स नहीं रहे, वॉर एंड हो गया, तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का सेटअप किया गया एट नरेमबर्ग. और इसका काम था कि नाजी के द्वारा या नाजी आइडियोलॉजी के द्वारा जितने भी क्राइम्स किए गए हैं या जितने भी वॉर क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट में केस चले, उनके अगेंस्ट में सुनवाई हो, फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे एक रेस को एलिमिनेट करने की कोशिश की थी विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये तो हर वॉर में होता है, हर बैटल में होता है, मगर इन्होंने सिस्टमैटिकली प्लान करके पूरे के पूरे एक रेस को एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, सेग्रीगेट करके, अलग करके उनको मारने की कोशिश की थी. सो दिस वॉज अ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो इस तरह का एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, जिसका काम था कि सभी नाजी वर्कर के अगेंस्ट में इस तरह का केस चलाया जाए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के
पीछे पीछे, मतलब नाम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चल रहा है मगर उसके पीछे क्या क्या कार्रवाई कर रहे थे जर्मन्स या नाजी पार्टी या हिटलर, क्या क्या काम कर रहा था, वो जब बाकी दुनिया को पता चला तो बाकी दुनिया तो दहल के खौफ में हालत ख़राब हो गया। उनको ये पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आड़ में इन्होंने पूरा का पूरा जिनोसाइडल वॉर छेड़ रखा है। ये पूरे के पूरे एक रेस को एलिमिनेट करने में लगे हुए हैं, मास मर्डर करते हैं वो सेलेक्टेड ग्रुप्स का, छाट के लोगों को मार रहे हैं, इनोसेंट सिविलियंस तक को भी नहीं छोड़ रहे। वॉर जब हो रहा है तो भाई सोल्जर्स के बीच में हो रहा है मगर ये इनोसेंट सोल्जर्स को भी नहीं छोड़ रहे, उनको चुन चुन के एक पर्टिकुलर रेस के उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। और ये वॉर ख़त्म होने के बाद लोगों को पता चला था, और जब लोगों को पता चला तो वो मतलब वो सहम से गए कि भाई ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। मगर एलाइज नहीं चाहता था कि डिफिटेड जर्मनी के ऊपर कोई हार्श ट्रीटी लगाया जाए या उनको बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट दिया जाए जैसा कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था। उनको कहीं ना कहीं लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमने जर्मन्स के ऊपर हार्श ट्रीटी इम्पोज किया था उसी के वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी के वजह से हिटलर हमसे बदला लेना चाहता था और वापस से जर्मनी को एक पावरफुल नेशन बनाना चाहता था। सो वो पास्ट एक्सपीरियंस से एलाइज इस बार नहीं चाहते थे कि हम किसी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती जर्मनी के साथ करें। पनिशमेंट दिया जाएगा गुनहगारों को मगर कोई हार्श ट्रीटी नहीं लगाया जाएगा इनके ऊपर। तो अब हम थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की तरफ जाते हैं, बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। ये क्या था वीमर रिपब्लिक, इसके बारे में समझेंगे और इसका जन्म कैसे हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले देखा जाए तो जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट किया 1914 से लेकर 1918 अलॉन्ग विथ द ऑस्ट्रियन एम्पायर जो उसके टीम में थे, और अगेंस्ट अलाइज में हुआ था। अलाइज की टीम में थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। इनिशियली जर्मनी ने कुछ गेंस भी किया, फ्रांस के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई किया, बेल्जियम को ऑक्यूपाई किया, मगर एलाइज फाइनली वॉर जीत गया जब यूएस ने वॉर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया एंड दे पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द साइड ऑफ एलाइज। जैसे यूएस का एंट्री हुआ 1917 में तो जर्मनी का डिफीट हो गया और सेंट्रल पावर भी हार गई इन द मंथ ऑफ नवंबर 18। सो ये जो डिफीट हुआ इंपीरियल जर्मनी का, इससे जो जर्मनी के ही अपॉर्चुनिटिस्ट लोग थे उनको एक मौका मिला कि क्यों नहीं हम अपना पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बनाएं और जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम को रीकास्ट करें, नया शेप दें, क्यों नहीं हम मोनार्क फॉर्म को हटा के पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दें। और इसी के चक्कर में एक नेशनल असेंबली मिला एट वीमर जिससे कि वीमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब एक सेंट्रल लेवल पे भी पावर होगा और स्टेट लेवल पे भी पावर डिवाइडेड होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद वहीं के लोगों ने वीमर में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप किया, एक असेंबली बनाई एंड दे लेट इट लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ वीमर रिपब्लिक। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, एंड हुआ था, तो अब वीमर रिपब्लिक यानी जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के ने रिप्रेजेंट किया एंड दे साइंड अ ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज बिटवीन विद द एलाइज। तो जर्मनी और एलाइज के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, और जो कि बहुत ही हार्श था और ह्यूमिलेटिंग था फॉर द पीपल ऑफ जर्मनी। बहुत ऐसे ऐसे क्लॉज डाले गए जो कि बहुत ही एब्सर्ड सा था और जो कि बहुत ही हार्श भी था जर्मन्स के ऊपर। इस ट्रीटी के बाद जर्मनी के जितने भी ओवरसीज कॉलोनीज थे उन सबको एलाइज ने छीन लिया कि अब भाई जो यूरोप के बाहर में जितने भी कैप्चर्ड एरियाज है जर्मनी का उस पर कंट्रोल जर्मन का नहीं रहेगा। जर्मनी का 1/10 पॉपुलेशन ख़त्म हो गया, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज उसके ख़त्म हो गए, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल को छीन के फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया में बांट दिया गया। तो सोचो कोई नेशन चलेगा कैसे अगर हम उसके सारे रिसोर्सेज को ही छीन ले उससे, उसका जो मेन चीज है रिसोर्स से ही ना कोई कंट्री चलेगा भाई। तो अगर हम रिसोर्स को ही छीन ले तो वो कंट्री डेवलप कर ही नहीं सकता, वो वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो ही नहीं सकता। और यही काम किया एलाइज फोर्सेज ने, उन्होंने पूरा का पूरा जर्मनी को बर्बाद कर दिया, उनके सारे रिसोर्सेज को लूट लिया, जर्मनी को डीमिलिट्रलाइज कर दिया गया कि भाई अब आप अपना फौज नहीं रख सकते। और ऊपर से सोचो मज़ेदार चीज़,
ऑब्वियसली ये जो जीतता है वो हमेशा हारे हुए के ऊपर रिस्पॉन्सिबल ठहरा देगा, कहीं भी तुम्हारे वजह से वॉर हुआ था, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस वॉर के वजह से, तो जो नुकसान मेरा भी हुआ है वो भी तुम ही भरोगे। एक तो बेचारा पिटा है, तुम समझो कि एक बेटा वो खुद पिटा है और बोल रहे हो कि तुम्हारी वजह से ही हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, और जो मेरे को थोड़ा मोड़ा खरोज भी लगा है उसका भरपाई भी तुम ही करोगे। तो ऐसा ही कुछ वॉर गिल्ट क्लॉज जर्मनी के ऊपर लगाया गया, एंड जर्मन्स वे मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, एंड जो भी डैमेज अलाइज फोर्सेस को बियर करना पड़ा था और उनको उसके बदले में पेमेंट करना पड़ा, जर्मनी को फोर्स किया गया कि भाई यू विल हैव टू पे अस द कंपनसेशन विच अमाउंटेड टू रुपीज, नॉट रुपीज, विच अमाउंटेड टू 6 बिलियन पाउंड्स। 6 बिलियन पाउंड्स, तुम समझ रहे हो 1980s के समय में क्या मतलब रखता है। 6 बिलियन पाउंड जर्मनी को चुकाना था, कहाँ से चुकाएगा? एक तो अपना उसने सारा पैसा खुद ही खर्च कर दिया होगा अभी लड़ाई के वक्त, ऊपर से हारा है, ऊपर से सारा रिसोर्स भी लूट लिया गया है, तो 6 बिलियन पाउंड चुकाएगा तो कहाँ से चुकाएगा जर्मनी? ये एक मज़ेदार चीज़ था। अलाइड फोर्सेज ने यहाँ तक कि उनके जितने भी रिसोर्स वाले इम्पॉर्टेंट एरियाज थे जैसे कि राइनलैंड, उस पर भी सारा कंट्रोल अपने कर लिया। 1920s तक वहाँ से वो सारा रिसोर्स लूट लूट के लेते जाते रहे, तो भाई अब कहाँ से कुछ कुछ भी नहीं करने लायक हालत में था जर्मनी, मिलिट्री भी उसके पास नहीं है कि वो किसी को स्टॉप कर सके। और इन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने फोर्सफुली या स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को, विचार को रखा ही नहीं, जर्मन पीपल के फेवर में उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं, वो चुपचाप से अलाइड फोर्सेस के जो भी ट्रीटी में उन्होंने पॉइंट्स दिए उनको चुपचाप से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो बहुत सारे जर्मन लोग ये मानते हैं कि वीमर रिपब्लिक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एज वेल एज जो कि डिसग्रेस फेस करना पड़ा था जर्मनी को ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सिली, इन सब के लिए वीमर रिपब्लिक को जर्मन लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर दिए। आप समझो कि इफेक्ट ऑफ वॉर क्या हुआ। जब भी वॉर होता है तो कभी भी किसी का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। तो इसका बहुत दर्दनाक इफेक्ट हुआ पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरा का पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो गया था और तबाह हो गया था, ना कि सिर्फ साइकोलॉजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली। यूरोप जो कि सभी को कर्ज देता था अब वो कर्ज लेना शुरू कर दिया था, अमेरिका से सारे यूरोपियन नेशंस कर्ज ले लेके अपना कंट्री चला रहे थे, क्योंकि वॉर के समय में बंदूक बनाना है, वेपन्स बनाना है, लड़ाई करना है, सोल्जर्स रिक्रूट करना है, तो उस समय तो अंधाधुंध पैसा खर्च किया जाता है। अब किसी के पास पैसा बचा नहीं तो अब अपने नेशन को चलाने के लिए उनको US से उधार लेना पड़ा और वो अपनी कंट्री को रन कर रहे थे। तो जितने भी सपोर्टर्स थे वीमर रिपब्लिक के, खासकर जो सोशलिस्ट थे या कैथलिक्स थे या जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को बिलीव करते थे, वो बहुत ही इजी टारगेट बन गए कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स के अमंग में। जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे जो अभी भी मानते थे कि नहीं मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा था या कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर था, वो लोग इन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिए। उनको कहीं पे भी मौका मिलता था तो वो उनका मजाक उड़ाते थे, उनको दुहाई देते थे कि तुम्हारे वजह से ये प्रॉब्लम जर्मनी को फेस करना पड़ रहा है, और इन वीमर रिपब्लिक के सभी लोगों को मजाक मजाक में लोग नवंबर क्रिमिनल्स भी बोलते थे। वॉर का बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ा पूरे के पूरे यूरोपियन सोसाइटी में। अब सोल्जर्स का दर्जा सोसाइटी में बढ़ गया कि भाई सोल्जर सबसे ऊपर है, जैसे हम बोलते हैं ना समाज में डॉक्टर्स का पोजीशन, टीचर्स का पोजीशन एक मायने रखता है कि हाँ भाई डॉक्टर्स मरते हुए इंसान को बचाता है, नई जिंदगी देता है, टीचर्स या गुरु जो होते हैं वो बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि वो आगे चल के एक अच्छा इंसान बन सके। मगर वॉर के समय सबसे बड़ा हीरो कौन होता है? सोल्जर्स। तो यही कुछ ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर्स का दर्जा सोसाइटी में काफ़ी ऊपर चला गया, एंड दे वे प्लेस्ड अबव सिविलियंस, जबकि सिविलियंस को बचाने का जिम्मा सोल्जर्स का है, दे आर बीइंग सेलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ सिविलियंस, उनका वो जॉब है, उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर समाज में इनका दर्जा बढ़ गया, एग्रेसिव वॉर प्रोपोगंडा शुरू हो गया, नेशनल ऑनर सबके दिमाग में आ गया कि भाई देश के लिए मरना है, मिटना है, सब लोग सोल्जर्स बनना चाहते थे, और जो ऑनर या जो सम्मान मिलता था वो काफ़ी बढ़ गया सोसाइटी में, तो सब लोग चाहते कि नहीं हम भी सोल्जर बने, हम भी सोल्जर बने, सब माँ बाप अपने बच्चों को सोल्जर्स बनाना चाहते थे।
तो हर गैदरिंग में, हर स्टेज में, पब्लिक गैदरिंग्स में इनको ऑनर करना शुरू किया गया, तो उससे और दर्जा उनका बढ़ते चला गया, उनके लिए सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया, और इसके वजह से कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को भी मौका मिला कि भाई वो अपने आइडियाज़ को भी वापस से इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ है वहाँ सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लोग विचार विमर्श करके एक दूसरे से बातचीत करके डिसीजन लेते हैं, मगर जहाँ सोल्जर्स इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब आप राजा महाराजा को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप वापस से डिक्टेटरशिप या मोनार्की को हाईलाइट कर रहे हो। सो दिस इज़ वॉट वॉज हैपनिंग आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द यूरोपियन नेशंस। और उस समय डेमोक्रेसी एक बहुत ही एक छोटा बच्चा था, समझ लो ये कॉन्सेप्ट कोई अभी जन्म ही लिया था। हमने यूरोपियन नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में पढ़ा भी है और समझा भी है। तो डेमोक्रेसी एक बहुत ही यंग आइडिया था, अभी वो अपना शेप एंड स्ट्रक्चर तैयार ही कर रहा था, वो रेडी नहीं हुआ था। सो धीरे धीरे वापस से कंजर्वेटिव नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी वापस से पनपना शुरू हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं तक फर्स्ट पार्ट में रखते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है और इसमें अलग 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 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ तक बेसिकली ये देखा कि कैसे विमर रिपब्लिक का जन्म हुआ और पूरे यूरोपियन नेशन में क्या इफेक्ट पड़ा वॉर का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड सेकेंड पार्ट और फॉलोइंग पार्ट्स को ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।